जिले में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खेकड़ा कोतवाली पुलिस और बालेनी थाना पुलिस ने 40 लाख रुपए की कीमत की 556 पेटी अवैध शराब की पकड़ी है और 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तस्कर शराब की पेटियों को 2 कैंटरों में ग्लूकोज की बोतलों की पेटियों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को भी अलग अलग जगह से 2 ट्रकों को पकड़कर 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई थी। ये आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से हमारे जनपद में अवैध शराब का जो निष्कर्षण है और परिवहन है, विशेष करके हाईवे होते हुए बिहार में जाता है जहाँ की शराब बिक्री पे रोक है, इसमें थाना प्रभारी खेकड़ा सीओ खेकड़ा साहब के नेतृत्व में इनकी सर्किल में बड़ा ही अच्छा काम हुआ है। इंस्पेक्टर बालेनी एसओ खेकड़ा ने 1 करोड़ रुपए से ऊपर की जो अवैध शराब पकड़ी है, इस पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो है 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। और ये लोग इसको इस तरह से करते हैं कि चूंकि हाईवे बहुत अच्छी चेकिंग नहीं हो सकती, तो कोई न कोई चीज़ ऊपर रख लेते हैं और जब अच्छी मैनुअल मुखबिरी हो तभी पकड़े जाते हैं। जो ट्रक पकड़ा है एसओ खेकड़ा ने, इस पर ये लोग ग्लूकोज की बोतल ऊपर करीब 150 पेटी रखे हुए थे। बिल्टी भी उसी की बनवाए हुए थे कि किसी नर्सिंग होम के नाम पे सिवान में ये ग्लूकोज की बोतल लेके जा रहे हैं। हालांकि इसमें मैनुअल मुखबिरी थी, चेकिंग हुई तो नीचे इतनी पेटी जो है शराब मिली।